लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बीबी जी खत्म हो गया, साहब को पुलिस पकड़ कर ले गई। साहब को पुलिस पकड़ के ले गई, ये कैसे हो सकता है? इस दुनिया में सब कुछ हो सकता है। लेकिन पुलिस ने आपको कैसे गिरफ्तार कर लिया डैडी? पुलिस किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन डैडी आपने कौन सा जुर्म किया है? पुलिस छानबीन कर रही है, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। तुम तो जानती हो बेटी का अपना धंधा ही ऐसा है कि एक पांव अंदर और एक पांव बाहर। लेकिन डैडी क्या ये लोग तो सिर्फ इतना ही जानते कि मैं बाहर से आया हुआ एक बिजनेसमैन और यहाँ आते ही एक बदनाम होटल खरीद बैठा। तुम फिक्र न करो बेटी, सब ठीक हो जाएगा, वक्त का इंतजार करो। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, आओ बिरजू बैठो। कैसे आना हुआ? आपके मुजरिम लॉकअप में पहुंच गए हैं, आप मुझे रिहा कीजिए। रिहाई का क्या सवाल है, तुम तो वैसे भी रिहा हो। आपने पैरवी पर रिहा किया है और अखबार में भी छिपा दिया कि मैं जेल से भाग गया हूं। आप तो किसी वक्त मुझे जेल भेज सकते हैं। बिरजू, तुम कानून की नजाकत को समझते हो? जी हाँ, इसलिए तो चाहता हूं कि अब आप कानूनी तौर पर मुझे रिहा कीजिए। वो भी हो जाएगा, अभी न तो सबूत मिला है और न माल बरामद हुआ। पता नहीं उन्होंने सोना कहां छुपा कर रख दिया है। अजी साहब, हमारे एग्रीमेंट में ऐसी कोई बात नहीं थी। मुजरिमों को कानून के हवाले करके मैं आपकी मदद कर चुका हूं। लेकिन तुम तो जानते ही हो, सबूत के बगैर किसी को सजा नहीं दी जा सकती। मुजरिम जरूर पकड़े जा चुके हैं, मगर उनमें से कोई कुछ भी नहीं कबूलता। ठीक है, आपको सबूत मिल जाएगा और माल भी बरामद करा दूंगा, लेकिन यह कानून के लिए नहीं बल्कि अपने वायदे और सच्चाई के लिए करूंगा। शाबाश, आई एम प्राउड ऑफ यू। बाय सर। बाय बाय। क्या हुआ? दम घुट रहा है डॉक्टर साहब। क्या है? सोन की हालत बहुत खराब है। क्या हुआ मिस्टर सोहन? मिस्टर सोहन क्या हुआ? अरे देवी सिंह, चलो डॉक्टर साहब ले आओ। सोहन खा के कितना मोटा हो गया, टूट जाया हो गया। सोहन का ख्याल रखना, वो बहुत खतरनाक आदमी है। यस सर। नहीं बापू, पहचानो। सोहन बापू, होटल का धंधा छोड़कर पुलिस में भर्ती हो गए हो क्या? भर्ती तो पुलिस ने कर दिया था लॉकअप में, बड़ी मुश्किल से हुलिया बदल कर जान बचाकर वहाँ से भागा, लेकिन कमबख्त पुलिस अभी भी पीछे पड़ी हुई है। तो इसे घबराने की क्या बात है, आप और हुलिया बदल डालो, कोठे पर आकर तो अच्छे अच्छों का हुलिया बदल जाता है। हाँ, अपना तो एक ही होटल है। चलो रुको रुको, Thank you.
फुलवाला, यहाँ कोई इंस्पेक्टर आया? हाँ साहब, ऊपर ही। तुम इतने दिनों से पुलिस में काम कर रहे हो और आज तक बदमाशों के हथकंडों को नहीं समझ सके। आई एम वेरी सॉरी सर, लेकिन अब क्या किया जा सकता है? मुझसे पूछते हो क्या किया जा सकता है? फौरन सोहन पर 50,000 रुपए का इनाम रखा जाए। आप एक अच्छे खासे शरीफ आदमी को पुलिस स्टेशन चलने के लिए फरमा रहे हैं? अजी हजूर, मैं तो मुशायरे में जा रहा था, क्यों आप मेरा वक्त जाया करते हैं? इसे जरा परे कर दीजिए। अब तो पुलिस के सामने ही गजल पढ़िए। लाहौल विला कुवत, वहाँ कौन समझेगा? वो समझे ना समझे, मैं आदमी की सूरत से नहीं उसकी चाल से पहचान लेता हूँ मिस्टर सोहनलाल। तो आखिर आप पुलिस के आदमी निकले? तुम फिर गलती कर रहे हो सोहनलाल। तो फिर ये चक्कर क्या है मिस्टर? सिंपल, पुलिस ने तुम पर 50,000 का इनाम रखा है, वो दांव मैं जीतना चाहता हूँ। पुलिस से जीतना चाहते हो? इतना रुपया तो तुम्हें मैं दे सकता हूँ। मैं हराम की कमाई नहीं खाता सोहनलाल, और फिर पुलिस से कई बार मुझे इनाम जीतना है। वो कैसे? देखो, इनाम मिलने के बाद मैं तुम्हें भगा लाऊ, पुलिस इनाम दुगना कर देगी, मैं तुम्हें पकड़वा दूंगा। और फिर भगा लाओगे, पुलिस इनाम चौकदा कर देगी, है ना? करेक्ट, इस तरह जुआ चलता रहेगा। फंदा मेरे गले में और आमदनी तुम्हारी, यही ना? आमदनी कम नहीं है सोहनलाल, इसलिए 50-50। मुझे मंजूर नहीं। तुम बेवकूफ हो। क्या मतलब? मैं तुम्हें उस लॉकअप में रखवाना चाहता हूँ जहाँ शंकर उसके साथी हैं। मगर किस लिए? तुम पता लगा सकोगे कि उन्होंने सोना कहाँ छुपाया है, इसलिए। आदमी होशियार हो, लेकिन लॉकअप से कैसे निकलवाना है ये तुम्हें मैं बताऊंगा। मंजूर। अच्छा तो अब जल्दी से रस्सी ले और मेरे हाथ बांध दो। तुम भी समझदार हो सोहनलाल, इसलिए मैं रस्सी का इंतजाम करके ही आया था। चलो। गुड इवनिंग इंस्पेक्टर। गुड इवनिंग। अरे आओ यार, रास्ते भर अड़ते चले आ रहे हो, अड़ियल टेस्ट भी करो। वाला जमान संभाल कर बात कीजिए। एक शरीफ आदमी को आपने घटिया किस्म का घोड़ा कह दिया, वो भी चट्टू। अगर मैं हजूर की शान में कोई गुस्सा नहीं करता तो देखो सीधी तरह से बात करो, ये लखनवी जबान है नहीं चलेगी। यार क्यों नहीं चलेगी सरकार? जब लखनऊ का कुर्ता चल सकता है तो पल्ली टोपी चल सकती है, पान चल सकता है, तो जबान क्यों नहीं चलेगी? अजी आप ही बताइए ना हवलदार साहब, मेरा मतलब है दरोगा साहब। क्या बदतमीजी है? पुलिस स्टेशन है। तो मैंने कहा था यह रेलवे स्टेशन है। हजूर बदतमीजी मैं नहीं आप फरमा रहे हैं। धक्के पर धक्के मारकर कोतवाली में ले आए, क्या जमाना आ गया है आदमियों को भी धक्के मार दे। मैं तो अच्छा खासा मुशायरे में जा रहा था, नई गजल कहिए, मुर्फा मुलादा फरमाइए। प्यार में कुछ कमी हो गई, आ आ प्यार में कुछ कमी हो गई, दोस्ती दुश्मनी हो गई। आ आ क्या दाद मिल रही है लाहौल विला कुव्वत। ये मुशायरे की जगह नहीं है। कौन है आप? हजरत आप भी अजब सूखी लकड़ी है, एक गरीब शायर का तारुफ भी नहीं कराया। हजूर मेरा तखल्लुस है बेदाग। तखल्लुस तखल्लुस यानी चलेगी। इंस्पेक्टर साहब ये कोई शायर वार नहीं है, ये वही है आपका 50,000 रुपए का मुजरिम सोहनलाल। मिस्टर सोहनलाल। देखिए दरोगा जी, आपने तू तड़ाक से तो बहुत बात कर ली, अब ये हाथा पाई अच्छी नहीं कह देता हूँ। मैं शायर आदमी हूँ। हाँ जी हाँ, दाढ़ी नकली है खींच लीजिए। देखिए दरोगा जी, दाढ़ी नहीं खींचना नहीं तो पान की चीज निकल जाएगी। ये के साथ साथ जबान ही बदल दी। स्ट्रक्चर दाढ़ी नकली थी तुमने उतार ली, तो भी मेरी इज्जत है इस पे हाथ नहीं डालना। बोलो कहाँ जाना है? सुधाराम हवाला आपने बंद कर दो। सोहन पिछली बार तो तुम मेरे कपड़े पहनकर भाग गए थे,
अब तो मैं तुम्हें देखूंगा। घबराओ नहीं इंस्पेक्टर, अब तो तुम्हारे कपड़े पहनकर नहीं भागूंगा। बात दूर कार्टून लगता है। और मिस्टर, बाहर आने के बाद तुम्हें भी देख लूंगा। शायद तुम्हें पता नहीं कि लोग मुझे दिल्ली तक जानते हैं। अरे दिल्ली बहुत दूर है शहर मियां, अभी तो अंदर जाओ, फिर तुम्हारे बाहर आने की सोच में जाओ। वगराम वगराम, मुझे मालूम है लोग अब कहां है। फोन कमाल कर दिया साहब आपने, इतने खतरनाक मुजरिम को पकड़ लिया जिस पर तो पुलिस भी हाथ डालने के लिए डरती थी। इंस्पेक्टर साहब, डरता तो मैं भी था, लेकिन 50,000 रुपए का मामला था। मैंने कहा चलो जान पर खेल जाओ। फिक्र न कीजिए, 50,000 रुपए आपको मिल जाएंगे, सिर्फ कागजात ऊपर भेजने होंगे। थैंक यू। रुपए मिलने में देर तो नहीं होगी इंस्पेक्टर साहब? बेफिक्र रहिए, आपका केस मैं स्पेशली रिकमेंड कर दूंगा। थैंक यू। रख लीजिए, शायद आपको कोई काम आए। लो, ये यहां भी आप आते। अब हम तीनों में से किसकी बारी है? क्या मतलब? पिंचों को झाड़ से लटका कर मार दिया, और अब मतलब पूछते हो? मारने वाला तो ऊपर वाला है, मुझे किसी से क्या लेना है? क्यों तो सारों से उत्ता दी, अपना हिस्सा लेने के लिए पिंटों को तो साफ कर दिए, और अब अनजान बन गए। लॉकअप में कबूलते हुए डरते हो क्या? मैं लॉकअप वॉकअप से नहीं डरता। हाँ, पिंटों को मैंने मारा है। अब तुम तीन बाकी रह गए। मुझे सोने में हिस्सा उस वक्त भी चाहिए था और अब भी चाहिए, और अगर मुझे हिस्सा ना मिला तो तुम तीनों में से एक भी नहीं बच सकता। क्या मिलेगा किसी को सोना? हम सबके सब तक पुलिस को शिकल देंगे। मैंने कहा था कि मैं किसी से नहीं डरता, मैं जब चाहूं यहां से निकल सकता हूं, और साथ में तुम लोगों को भी निकाल सकता हूं। क्या कहा तुमने? तुम हम लोग यहां से निकाल सकते हो? श्योर, लेकिन सोने में बराबर का हिस्सा। मिस्टर सोन, पिंटो को मारकर चौथे हिस्से की जगह तुमने खुद ही बना ली, हमें मंजूर। प्रॉमिस? प्रॉमिस। कमाल कर दिया साथी, सोहन जैसे नामी आदमी को पकड़ ला। इंस्पेक्टर। यस सर। तुमने सोहन को रखा कहां है? सर उसी लॉकअप में जिसमें तीनों बदमाश बंद हैं। उसी लॉकअप में? जी हाँ। तुम जानते हो सोहन कौन है? बड़ा पहुंचा हुआ बदमाश है। ये गोली कैसे चलाई?
तो मैं भी सोच रहा हूँ गोली किसने चलाई थी, शायद पुलिस ने चलाई होगी। इम्पॉसिबल, पुलिस कैसे गोली चला सकती। गोली नहीं चला सकती, देखो पुलिस की सकती। अब बोलो तुम्हारी प्लानिंग क्या है। अभी भी पीछा चलेगा। फिर क्या करें? हाँ बात आ रही नहीं, कपड़े लाए। हाँ ये लो कपड़े बदल लो। अरे भाई तुम यहीं बदल लो, मैं बाहर चला जाता हूँ। देखता हूँ कि पुलिस की जो पीछे पीछे आ तो नहीं रही। हाँ ना, ए मिस्टर पंगड़ा पार्टी का केड़ा कमरा है? व्हाट सर? पंगड़ा पार्टी व्हाट रूम नंबर? ओ 305 सर। ले 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 आवे। अच्छा कमरा भी बुक कर लिया? देखो सोहन का गैंग सारे शहर में फैला हुआ है, तो हर काम पहले से ही तय कर लेता है। आ हेलो रामू, सोहन एक पुलिस ऑफिसर की वर्दी, डीएसपी, और मेरे कुछ कपड़े लेकर आ जाओ, होटल ब्लू हेवन रूम 335 फॉरन। अरे भाई पुलिस ऑफिसर या सुपरिंटेंडेंट की वर्दी लेकर क्या करोगे? बैठो बताता हूँ, बैठ जाओ ना। सुमन मैं मोहन बोल रहा हूँ, जल्दी से गाड़ी को आगरा रोड के पेट्रोल स्टेशन में ले आना। मगर बात क्या है? ये सब रास्ते में बताऊंगा, जल्दी गाड़ी ले आना। रंजीत मलिक कौन से वार्ड में? हवलदार इन इंस्पेक्टर साहब के पास ले जाइए। इंस्पेक्टर नहीं, रंजीत मलिक। फाइन सर। सर ये साहब रंजीत से मिलना चाहते हैं। एक्सक्यूज मी, मैंने आपको पहचाना नहीं। मेरा नाम है ए के सेन, मैं सीबीआई से स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट किया गया हूँ।
मुझे रंजीत मलिक से मिलना है। एक्सक्यूज मी, रंजीत एक इम्पोर्टेंट मुजरिम है। आईजी साहब के स्ट्रिक्ट ऑर्डर हैं, किसी को उसके साथ मिलने ना दिया जाए। हाँ, अगर आप कार्ड दिखा दें तो मैं आपको मिला सकता हूँ। विजिटिंग कार्ड? नो सर, आइडेंटिटी कार्ड। ओह, आइडेंटिटी कार्ड। हेलो, यस सर, अभी बुलाता हूँ सर। इंस्पेक्टर साहब, आपका टेलीफोन। एक्सक्यूज मी, हेलो, इंस्पेक्टर पुरी स्पीकिंग। गुड इवनिंग सर। यस सर, यस सर, वो आ गए सर। शायद मेरा आइडेंटिटी कार्ड जिप में रह गया, मैं भी लाता हूँ। ओके सर, ओके। सुनिए एसपी साहब, सुनिए, आईजी साहब ने आपके बारे में सब कुछ बता दिया। इंस्पेक्टर, तुमने मुझे बुलाया? आप रंजीत से मिल सकते हैं। थैंक यू, मैं उससे अकेले में मिलना चाहता हूँ। एज यू प्लीज। हवलदार, तुम बाहर आ जाओ। क्या बात है आपकी सर, तुम सब लोग बाहर क्यों खड़े हो? जी, आपके हुक्म के मुताबिक सीबीआई के ऑफिसर अंदर जांच कर रहे हैं। सीबीआई के ऑफिसर मेरे हुक्म के मुताबिक क्या कहते हो? जी, आप ही ने तो फरमाया था फोन पे। मैंने फोन पर फरमाया था? जी। दरवाजा तो देखा, तुम्हारी बेवकूफी की वजह से एक इम्पोर्टेंट मुजरिम हाथ से निकल गया। सर, फोन पे अगर आप नहीं थे तो वो कौन था? वो मैं था। वो तो मैं समझ गया, पर ये सब तुमने किया कैसे? जिस तरह ये ड्रेस पहनाकर तुम्हें अंदर पहुंचा दिया था, उसी तरह बाहर निकालने के लिए मैंने आईजी की आवाज बदलकर इंस्पेक्टर को टेलीफोन किया और कहा, देखो इंस्पेक्टर, मैं आईजी बोल रहा हूँ। दहली से एक एसपी रंजीत को मिलने के लिए आ रहा है, उसको रोकना नहीं, ये मेरा ऑर्डर है। कमाल करते हो यार, तुम तो आवाज भी बदल लेते हो। अरे अगर आवाज और हुलिया ना बदलता तो अब तक जेल के अंदर ना होता।